नमस्कार सर। नमस्कार सर। आरसीआई एजुहब बानसूर में आपका हार्दिक स्वागत है। 12वीं और 10वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं। आज के विद्यार्थी बहुत भ्रमित हैं कि हमें 10वीं और 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। इन सभी चर्चाओं को लेकर हम सभी आपके सामने आए हैं। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट टीम का परिचय करवाना चाहूँगा। मैं मनोज कुमार यादव, MD आरसीआई डिफेंस अकेडमी बानसूर। सर डॉक्टर विजय कुमार यादव, निदेशक आरसीआई एजुहब बानसूर। नमस्कार। फिजिक्स के व्याख्याता श्री नरेश कुमार जी और मैथ के व्याख्याता श्री महेश कुमार जी। नमस्कार। वर्तमान में 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों के सामने कई विकट समस्याएं आ रही हैं। भविष्य के लिए उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, इन सभी चर्चाओं को लेकर हम सब आपके सामने हैं। चर्चाएं करेंगे कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो मैं सर को आमंत्रित करूं कि सर भविष्य में बच्चों को किस क्षेत्र में जाने के लिए, कौन सा करियर चुनने के लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार। कक्षा 12वीं के बाद में विद्यार्थी उच्च शिक्षण के लिए अपने करियर चूज करने के लिए बहुत विचार विमर्श करते हैं। बहुत अधिक जगह वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या मार्गदर्शन के लिए वो कई जगह जाते हैं और उसी संबंध में आज सब हम एकत्रित हुए हैं। जैसा महेश जी आप सब बैठे हुए हैं और हायर एजुकेशन में मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहूँगा कि आज ग्रामीण जो परिवेश है उसमें केवल बच्चा कॉलेज में जैसे BSc BA या BCom करके और अपने करियर में 3 साल तक लगा रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ठीक ये रास्ता रहेगा। आप इस पर थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे कि इसमें हमें ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनके लिए केवल ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के साथ में किसी और किसी बिंदु को लेकर के बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर। 12वीं पास जैसे ही विद्यार्थी कर लेता है उसके सामने सबसे पहली समस्या आती है कि वो करियर को लेकर किस स्ट्रीम में जाए और किस तरीके के करियर पाथ चूज करे। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि 12वीं क्लास के बाद में विभिन्न ट्रेड्स के जो स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के जिनमें बायोलॉजी हो गई, मैथ्स हो गई, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि IIT के लिए कुछ विद्यार्थी जाते हैं, कुछ विद्यार्थी नीट की प्रिपरेशन करते हैं। और देखिए अभी जो सबसे अच्छा जो करियर ऑप्शन जो है वो है सेना भर्तियों में जाने का, जिसमें आप UPSC द्वारा कंडक्टेड नेशनल डिफेंस अकेडमी ND का एग्जाम होता है। और ND के एग्जाम में देखिए 16.5 से 19.5 के बीच की एज का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है और 12वीं के बाद जितने भी स्ट्रीम्स होती हैं, मैथ्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स या बायो, कोई भी विद्यार्थी जा सकता है। और अभी सर एक नया ट्रेंड ऐड हो गया है कि गर्ल्स भी जा सकती हैं। NDA में जितने भी गर्ल्स अपना करियर एज एन ऑफिसर चूज करना चाहती हैं वो NDA में ज्वाइन कर सकती हैं। और बॉयज के लिए पहले से ही था, लगभग 400 वैकेंसीज रहती हैं इसकी हर 6 महीने में, तो साल भर में लगभग 800 अवसर बनते हैं। और इसके साथ ही मैं बताऊं सर कि NDA के साथ में, NDA की प्रिपरेशन करने के साथ साथ में नेवी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है, SSR का है। उसके बाद एयरफोर्स का एक ऑप्शन है जिसमें X ग्रुप और Y ग्रुप में दो तरीके से स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद में आर्मी में डिफरेंट डिफरेंट विंग्स में जा सकते हैं, आर्मी में जनरल ड्यूटी सोल्जर में जा सकते हैं, क्लर्क में जा सकते हैं, टेक्निकल में जा सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट में जा सकते हैं, ट्रेड्समैन में जा सकते हैं। महेश जी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे ये जो फील्ड जितने भी आपने जैसे डिस्कस किए, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने जैसे अपने बच्चे जो है सबको बताया, जो दर्शक हमारे इसमें सुन रहे हैं, बच्चा जैसे माना 2 साल के लिए, 3 साल के लिए प्लस 2 के बाद में जैसे तैयारी करता है, तो क्यों नहीं बच्चा जैसे वो NDA का प्रिपरेशन कर रहा है, नेवी का प्रिपरेशन कर रहा है, अपना आर्मी के लिए प्रिपरेशन, ऑफिसर के लिए कर रहा है, तो साथ में ही बच्चे का ग्रेजुएशन चले। जी सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे कि अमूमन विद्यार्थी करते हैं सर कि वो कॉलेज करते हैं सिर्फ। देखिए कॉलेज यदि आप सिंगल करेंगे तो आपको BA BSc या BCom की जो डिग्री मिलेगी, लेकिन यदि आप कॉलेज के साथ साथ में कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं इससे बेहतर यह रहता है कि हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है सेकेंड ईयर के साथ में सिलेक्शन हो जाए। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप कॉलेज वहां से छुट्टी लेकर भी कर सकते हैं, जब आपकी जो भी कॉलेज का ड्यूरेशन रह जाता है। और ये सर बहुत सुनहरा है। और RCA डिफेंस एकेडमी में इस बार हमने इस ट्रेंड को, गत वर्ष स्टार्ट हुआ हमारा संस्थान, इसमें हमने एक NDA में सिलेक्शन दिया है, उसके बाद हमने नेवी में सिलेक्शन दिए हैं,
वही विद्यार्थी थे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ में थे। अपने अपने यहाँ रेगुलर पढ़ रहे थे। रेगुलर पढ़ रहे थे। मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ कि एक्चुअली ऐसी जो व्यवस्थाएं थी पहले अलग जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अलग अलग जगह ऐसी व्यवस्थाएं थी, हमारे यहाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट में सर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग सीकर और नागौर से छोड़कर के यहाँ अलवर जिले में आके और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कि इस फील्ड में कॉलेज के साथ में बच्चे प्रिपरेशन करके और अपना अच्छा कैरियर बना सके, इसके लिए हम सब ने यहाँ आरसीआई डिफेंस अकेडमी जो कि अलवर जिले में पहली बार ऐसी व्यवस्था हमने यहाँ दी है कि अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी एक ही कैंपस में रह करके बच्चा वहीं हॉस्टल में रह सकता है, उसमें वहां रह के कॉलेज का प्रिपरेशन कर सकता है यानी बीएससी और बीए कर सकता है, उसके साथ साथ में जैसे आपने जो ऑप्शंस बताए बच्चा एनडीए का, नेवी का, एयरफोर्स का, इसके साथ साथ कॉलेज के साथ साथ बच्चा और भी जो प्रिपरेशन कंपटीशन में जैसे एसएससी सीजीएल जैसे आप लोग बैचेज चला रहे हैं, तो मैं तो बीच में नरेश जी से मालूम करना चाहूंगी इस प्रकार के जो बैचेज भी जो कंपटीशन के अपने शुरू कर रखे हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने देखा है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको पता नहीं होता कि ट्वेल्थ के बाद में हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चों का ऑप्शन ये रहता है कि अब कॉलेज कर लेंगे। जैसे मैथ वाले जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं या तो अपने पास में IIT का ऑप्शन बचा है या फिर खाली कॉलेज के साथ वो करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे बायो वाले बच्चे हैं उनका मैंने देखा है कि बायो वाले बच्चे ये सोचते हैं कि केवल BSc नर्सिंग कर लिया जाए या केवल नीट कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अपने पास में नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं बायो वाले जो बच्चे होते हैं। जैसे बायो से जो ट्वेल्थ पास जो बच्चा होगा उसके पास में DMLT हो गया, BMLT हो गया, रेडियो टेक्नोलॉजी हो गया, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि BSc नर्सिंग कर लेंगे। इसके अलावा भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे BSc नर्सिंग के अलावा भी एक ऑप्शन होता है अपने पास में आर्मी के अंदर, आर्मी के अंदर नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। और जो बच्चे केवल ये सोचते हैं कि हम केवल कॉलेज करें तो कॉलेज के साथ साथ अपने पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे अपने सर ने अभी जैसे बताया NDA का ऑप्शन है, नेवी एयरफोर्स के ऑप्शन है, नेवी एयरफोर्स के अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, सिविल सेक्टर हो गया, तुम सब के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो उस कॉलेज के और साथ वो बच्चे जो अपने यहाँ सब रनिंग कर रखे हैं, रनिंग है मतलब कॉलेज के साथ में अगर बच्चा BSc कर रहा है, BA कर रहा है तो ये SSC हो गया, बैंक PO हो गया, क्लर्क की हो गया, एग्जाम हम कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे माना कि अभी इस लाइव से जुड़े हुए हैं कि यहाँ जैसे RCI के कुछ कैरियर पाथ जो हमने प्रिंट करवा रखे हैं, आप इस कैरियर पाथ में बच्चे को प्लस टू के बाद में किस किस फील्ड में वो स्टूडेंट्स अपने कैरियर बना सकते हैं, इस प्रकार के दो हमारे कैरियर पाथ्स हमारी तरफ से फाइंडर के रूप में बनाए गए हैं, आप इनको भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसमें पूरे डिटेल्स खुले हुए हैं। मैं यहाँ संक्षिप्त में आपको इतना कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों को कि 12वीं के बाद में केवल ग्रेजुएशन को चूज करके 3 साल अपने खराब नहीं करें, उस ग्रेजुएशन सर उसके मतलब BSc और BA के साथ में बच्चा कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहे, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो उसमें नेवी एयरफोर्स NDA या फिर और कंपटीशन से रिलेटेड वो साथ में सिविल की तैयारियां करना चाहे तो कर सके, और ऐसी सब व्यवस्थाएं अपने यहाँ RCI कैंपस यानी बानसूर में दे रखी है और जिससे हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे शहरों में जाकर के अपने जो कैरियर है उसको भूल नहीं पाए, मार्ग जो है उसको भटक नहीं पाए और एक शांतिपूर्ण माहौल में पेरेंट्स के साथ रह करके भी अपने यहाँ तैयारी कर सकता है। और ये व्यवस्थाएं हमने यहाँ बानसूर में प्लस टू के बाद की पूरी व्यवस्थाएं RCI खुद का कॉलेज, खुद ही का हॉस्टल और ये कंपटीशन से रिलेटेड पूरी व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से और मनोज जी जैसा आपने कहा कि सर 12वीं के बाद में क्या करना चाहिए, तो हमारा तो मानना है कि 12वीं के बाद में मेन ऑप्शन ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन या फिर डिफेंस से रिलेटेड बच्चे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को एंड द कभी भी ग्रेजुएशन के बाद में भी सर कंपटीशन तो उसको देना है, कंपटीशन का प्रिपरेशन तो करना है। अब वो यदि हम उसको फाउंडेशन के रूप में फर्स्ट ईयर से तैयार करवा रहे हैं तो निश्चित है कि बच्चा उन विद्यार्थियों से जो किसी कारण से केवल ग्रेजुएशन करते हैं उनसे बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि भाई जो 12वीं के बाद में आपने ऑप्शंस मालूम किए हैं उससे रिलेटेड फिर भी किसी बच्चे को यदि कोई कंफ्यूज रहता है, कोई गाइडलाइन के लिए कोई मालूम करना है, तो हमारे यहाँ RCI कैंपस में 8 बजे से 1 बजे तक ये टीचर्स जो हैं जैसे सर जो है नागौर और अपने सीकर जयपुर बहुत ही अच्छी फैकल्टियां यहाँ आई हुई है, तो आप इनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद सर, आप लोगों ने 12वीं के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छे अच्छे सुझाव दिए, लेकिन 12वीं के बच्चों के साथ साथ ही 10वीं के बच्चों
को भी भविष्य को लेकर बड़ी पीड़ाएं रहती हैं, वे भी अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, तो उनके भी भविष्य के लिए, उनके भी रोजगार के अवसर उनको किस प्रकार से प्राप्त हों, उन्हें किस प्रकार की स्ट्रीम चुननी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनको किसी रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके, तो उनको भी भविष्य में किस प्रकार के सब्जेक्ट चुनने चाहिए, तो उनके लिए भी थोड़ा मार्गदर्शित करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर आपने किया, क्योंकि 12वीं के बाद में भी जैसे बच्चा भ्रमित होता है, यदि उसको 10th से ही जैसे पास करे उसी समय से यदि उसको अच्छा और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो निश्चित है कि उसके कैरियर को आगे बनाने में उसको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बच्चा 9th 10th तक जब तक पढ़ता है तो एक ही रास्ता होता है 8वीं से 9वीं 9वीं से 10वीं। 10वीं के बाद में पहला तो सबसे बड़ा बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है कि वो सब्जेक्ट कौन सा चूज करे, सब्जेक्ट जी सर, सब्जेक्ट डिसाइड कौन सा करे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने साथ ही 4 लोग मैथ चूज कर रहे हैं, वो भी मैथ चूज कर लेता है, लेकिन उसको स्ट्रीम का आगे पता ही नहीं है कि मुझे मैथ्स में जाकर आगे करना क्या है। ये बहुत बड़ा सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी विडंबना बच्चों के सामने रहती है। ये जैसा कि सर ने बताया है कि 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, ये बहुत बड़ा डायलेमा है। एक्चुअली होता क्या है कि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से मिला हूँ सर, जो चाहते हैं कि एनडीए में जाना है या नेवी में स्पेशली जाना है, AASSR में जाना है, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि इस स्ट्रीम में जाना है, लेकिन जैसे नेवी AASSR में मैथ्स का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, उसने ले रखा है कॉमर्स या एग्रीकल्चर, उसके साथ एक बड़ी समस्या रहती है। तो 10th के बाद जैसे ही आपको सब्जेक्ट चूज करने का जब टाइम आता है, तो सबसे अच्छा तो ये सर एक एक्सपर्ट से आप राय लें। आप हमारे RCI डिफेंस अकेडमी के कैंपस में आए, जितने भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं वो RCI डिफेंस अकेडमी के कैंपस में आए, 10th के बाद में सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, इवन 12th के बाद में भी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं फोकस करते हैं 10th पे। 10th के बाद में देखिए, यदि आपको एनडीए में जाना है स्पेशली, तो एनडीए में तो सभी सब्जेक्ट अलाउ हैं, लेकिन होता क्या है कि मैथ्स के 300 मार्क्स का पेपर आता है सर, और फिजिक्स वगैरह जो आती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो मैथ्स के स्टूडेंट्स की थोड़ी सी डिफिकल्टी थोड़ी दूर हो जाती है। उसके बाद हम यदि CDS की बात करें, CDS में यदि परमानेंट कमीशन हमें चाहिए, IMA या OTA से जाना है, OTA में तो ठीक है, नॉन टेक्निकल चल जाता है, बट IMA में यदि जाना है तो मैथ्स का फिर से 100 नंबर का पेपर अलग से आता है। तो इस तरीके की जैसे आपको पायलट बनना है, तो पायलट के लिए एक FCAT का एग्जाम निकलता है, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी आपको मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से आप मैथ्स को चूज करके आसानी से आराम से कैरियर बना सकते हैं। फिर यदि आपको बायो चूज करना है, तो बायो के अंदर आप आर्मी में, जैसे सर ने बताया था कि नर्सिंग असिस्टेंट की एक अलग से वैकेंसी निकलती है जहाँ पे आर्मी ट्रेन करती है उनको, और उसके बाद एनडीए का भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट चूज करने का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है सफलता में। बहुत अच्छा बताया सर आपने। पहले शॉर्ट में ये भाई, बच्चा अगर डिफेंस साइड में जाना चाहता है तो उसको मैथ स्ट्रीम चूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं। ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा जैसे माना, यदि कोई बच्चा किसी कारणवश मैथ्स यानी 10th के बाद में, बच्चे क्या है ज्यादातर सब जैसे मैथ लेता है, तो मुझे लगता है ज्यादातर पेरेंट्स के आजकल एक थॉट हो गया है कि बच्चा मैथ ले रहा है तो उसको IIT करनी चाहिए, जी सर, बायोलॉजी ले रहा है तो उसको नीट, उसके अलावा और ऑप्शंस होते हैं, पेरेंट्स को भी पता नहीं है। सर इसका मेन कारण क्या होता है, अवेयरनेस की बहुत लैक होती है, मतलब पता ही नहीं होता है कि इतनी वैकेंसीज निकलती हैं रिलेटेड, IIT और नीट ही ऑप्शन नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा IIT नीट बेकार है, आप वो भी करिए, बट IIT और नीट का जो सक्सेस रेशियो होता है वो less than 1% रहता, यानी कि 1000 में से 1 बच्चा 2 बच्चे इस तरीके से निकलते हैं, और जो डिफेंस का जो कैरियर यदि चूज करते हैं उसमें सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि सर बस वो बच्चों को क्या ऑप्शन पता नहीं होता है, जी सर, और इसके साथ में और भी चीजें हैं सर, जैसे बच्चा IIT के लिए कोचिंग्स कर रहा है या नीट के लिए जिस माना कोचिंग कर रहा है, तो उसकी पारिवारिक परिस्थितियां और उसके हम IQ जो लेवल है वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट इस पे डालता है कि उस बच्चे का माइंड का जो लेवल है। अब बच्चा क्या दूसरे साथी को देख करके IIT या नीट के लिए विचार कर लेता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमने हमारे सर कैरियर में देखा है कि मैं भी बीटेक है, बीटेक कर रखा कंप्यूटर साइंस से, सर इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियर है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो हमने भी सर देखा है कि 90% से ज़्यादा बच्चे पड़ोसी को देख के सब्जेक्ट लेते हैं, पहला सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता किधर जाना है। अभी जैसे ले लीजिए IIT और नीट का फाउंडेशन लोग करते हैं, RCI डिफेंस अकेडमी हमारे पहला ऐसा अलवर में ऐसा डिफेंस अकेडमी है जहाँ पे 10th के बाद NDA का फाउंडेशन कराया जाता है, नेवी एयरफोर्स का फाउंडेशन कराया जाता है। 10th के बाद ही यदि कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है तो 12th के साथ साथ या 12th के जस्ट बाद
एनडीए में उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। हाँ, इसके पीछे सर अपना जो अपन जब बैठे थे तो उसमें मैं बताऊं दर्शकों को कि भाई सबसे मेन कारण क्या था कि बच्चा यदि 10वीं के बाद में 11वीं से ही अगर एनडीए या बाना की ऑफिसर लाइन की कोई तैयारी करना शुरू कर देता है नेवी एयरफोर्स की, तो एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन आईआईटी और नीट का है। अब बच्चा अगर आईआईटी नीट में जितनी तैयारी करना चाह रहा है उतनी प्रिपरेशन अगर इधर करता है तो ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा है वो जल्दी ही अगर माना सफलता प्राप्त कर लेता है तो पारिवारिक जो परिस्थितियां उसके फिर जीवन में कभी आडे नहीं आती है, उसको प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। और उस साइड में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चे के सामने बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि वो सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, पारिवारिक जो प्रेशर है बच्चे के ऊपर आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर माना बच्चा 10वीं के बाद में निश्चित है उसको आईआईटी का फाउंडेशन चूज कर सकता है, नीट का फाउंडेशन चूज करता है, एनडीए के लिए भी फाउंडेशन चूज कर सकता है जो एनडीए का फाउंडेशन अपने यहाँ आरसीआई डिफेंस अकेडमी में शुरू कर रखा है। नरेश जी मैं चाहूंगा कि जैसे बच्चा इसके अलावा माना कि बच्चा एग्रीकल्चर इनको भी तो चूज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है सर, इसके लिए भी हमारे पास में काफ़ी ऑप्शन है। जैसे एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं या आर्ट वाले जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि हमने आर्ट ले लिया या एग्रीकल्चर ले लिया तो हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, जैसे अपने पास में एयरफोर्स वाई ग्रुप का ऑप्शन बचा हुआ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का ऑप्शन अच्छा एक ऑप्शन है उनके लिए, आर्ट वाले बच्चों के लिए। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन बचते हैं उनके पास में, तो ये नहीं है कि जैसे एग्रीकल्चर ले लिया तो उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। काफी बच्चे मैंने कहने का मतलब ये कि 10वीं के बाद में यदि बच्चा है तो बच्चा जो है वो एग्रीकल्चर चूज कर सकता है, वो आर्ट्स स्ट्रीम को चूज कर सकता है, मैथ बायोलॉजी को चूज कर सकता है। और अपने यहाँ तो जैसे कि भाई सीबीएसई आरबीएसई के इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के बैचेज जो है सभी चलते हैं, तो बच्चा जो भी सब्जेक्ट लेना चाहे, तो मैं दर्शक और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहें, चाहे आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहें, चाहे आप नॉर्मल क्लासेज प्लस वन प्लस टू पढ़ना चाहें, 12वीं के बाद में आप यदि ग्रेजुएशन करते हैं उसके साथ में कुछ करना चाहें, तो सब में 11th क्लास से ही कंपटीशन के साथ में पढ़ाई आरसीआई एजुकेशन हब की ओर से हम सब शुरू कर रखे हैं। तो हम पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि आप एक बार अपने बच्चे को लेकर के आरसीआई कैंपस पहुंचे और बच्चे जो है उनके भविष्य के लिए आप पूरा प्लान करके आगे बढ़े, और ये आरसीआई डिफेंस की ओर से आपको एक करियर पाथ मिलेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में से आप जो चूज करना चाहें वो हमारी एक्सपर्ट जो फैकल्टी हैं इनसे आप आपस में डिस्कस करके और फिर आप उस बच्चे का जो करियर है उसको बहुत ही सोच समझ करके और फिर आप डिसीजन लें कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। इसलिए मनोज जी ये कह के आपने आज 10वीं और 12वीं से रिलेटेड कुछ डिस्कस किया, तो और कोई आपकी बातें हो तो बताइए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर बताए, और आप सभी दर्शकों को आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की तरफ से पुनः बार बार धन्यवाद। नमस्कार।